हेलो फ्रेंड, नमस्ते। हमारे गार्डन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको 10 ऐसे हार्डी प्लांट जो बिगनर्स भी लगा सकते हैं वो बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि आप उनको अपने प्लांट कैसे बिना केयर भी, मतलब कि आपके गार्डन से कभी जाएंगे नहीं, एक बार ले आएंगे तो बिगनर्स जैसे नहीं कर पाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं इस प्लांट्स को। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो अपन ड्रेनेज अच्छा रखें किसी भी प्लांट को लगाने के लिए, बिगनर्स लगाते हैं, और पानी रुका नहीं रहे तो कोई भी प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, इंडोर आउटडोर दोनों के। तो सबसे पहला प्लांट, तो मैं सबसे पहले आपको ये प्लांट सिखा रही हूँ जो मदर ऑफ थाउजेंड है। तो आपको नाम से ही लग रहा है कि मदर ऑफ थाउजेंड है, तो इसमें इतने मेरे प्लांट्स को देखिए आप, कितने बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं जो मेरे इस पॉट को ही ख़राब कर रखा है। और तो हज़ारों में ही हैं ये प्लांट, और इसकी नो मेंटेनेंस है जो ये, इसमें ये बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं और ये ग्रो हो जाते हैं। मतलब कि बरसात के सीज़न में तो ये जहाँ गिरा था बिना मिट्टी के, मतलब कि रूट्स निकल जाते हैं। तो एक ही आप शामिल करें, फर्स्ट प्लांट ये है जो आप एक बार ले आएंगे तो कभी आपके गार्डन से जाएगा। और सेकंड नंबर पे ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट में काफ़ी वैरायटी होती है, लेकिन इसकी सही है, बहुत हार्डी प्लांट है और लीव से भी ग्रो हो जाता है और वैसे भी ग्रो हो जाता है। और ये भी आप एक बार ले आएंगे तो आपके पास नो मेंटेनेंस प्लांट है, मरेगा नहीं और इसके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो यदि अब जैसे ये प्लांट है, अभी हम इसको, इस प्लांट के एक वे होता है कि इसको छोटे गमले में लगाएं, छोटे पोट में लगाएंगे तो इसमें बेबी प्लांट्स जल्दी निकलते हैं। तो ये भी अपने गार्डन में एक शामिल करें। इंडोर भी है ना ये इंडोर भी रख सकते हैं इसको, आउटडोर भी, दोनों है ये प्लांट। सेकंड नंबर ये हो गया। थर्ड नंबर पे ये आता है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी आप कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं और नर्सरी से लेके आए तो ये प्लांट भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। काफ़ी हार्डी प्लांट है और ये कटिंग के द्वारा इजी ग्रो प्लांट है। ये आउटडोर इंडोर दोनों में सर्वाइव करता है और काफ़ी अच्छा प्लांट है ये। नो मेंटेनेंस प्लांट है ये भी स्नेक प्लांट की जैसे। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें पानी, मतलब कि इतना ज़्यादा रुका नहीं रहे, ड्रेनेज अच्छा रखें। तो सेकंड नंबर में नेक्स्ट अपना आता है ये सदाबहार। इसको मतलब कि सदाबहार देसी है ये, इसमें देखिए ये प्लांट काफ़ी अच्छा सर्वाइव करता है और ये भी मतलब कि एक बार ले आएंगे तो ये भी जाने का नाम नहीं लेता है और इसमें बेबी प्लांट्स अपने आप निकलते रहते हैं, बीज गिरता रहता है और ये ग्रो होते रहते हैं। इस प्लांट को गार्डन में शामिल करना चाहिए। इसमें वाइट कलर भी आता है, तो देसी वैरायटी में तो वाइट और पिंक होता है और ये अच्छे मतलब के प्लांट हैं। इनकी मतलब नो मेंटेनेंस प्लांट है, बाहर भी लग जाते हैं। ऐसे बीज उग जाते हैं बगैर पानी भी, मतलब कि सर्वाइव कर जाता है, काफ़ी दिन तक पानी नहीं दें तो भी ठीक है। तो ये भी अपने गार्डन में शामिल करें, ये आउटडोर है। हाँ, आउटडोर है। और नेक्स्ट आता है अपना मनी प्लांट, पोथोस नाम मनी प्लांट के नाम से जानते हैं पोथोस ने। इसमें काफ़ी वैरायटी होती हैं और सभी मतलब कि कटिंग्स के द्वारा अच्छे से लग जाती हैं। नर्सरी से वैसे लेके आए तो वैसे लगाएं, और कटिंग यदि किसी के यहाँ से कटिंग से लगाते हैं तो आप कटिंग से भी आराम से लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लांट है ये। और ये सब वीडियो आपको यदि देखने हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उस पर पूरे भी जानकारी है। और फ्रेंड्स, ये भी मेरे कटिंग से लगाए हुए प्लांट हैं, तो ये आप अपना शामिल करें। ये भी काफ़ी इंडोर प्लांट है, आउटडोर है, तो ये प्लांट भी काफ़ी अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट आता है सिंगोनियम। इसमें काफ़ी वैरायटी होती है, तो इसमें पिंक भी आती हैं, ये है काफ़ी वैरायटी होती है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, ये भी इसमें बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं और इससे मतलब कि आप मल्टीप्लाई करके इसको काफ़ी लगा सकते हैं। तो ये भी आप एक बार ले आएंगे तो ये भी आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना सिंगोनियम। ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है, आउटडोर इंडोर दोनों में अच्छा सर्वाइव करता है और ये बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं इसमें। यदि एक बार ले आएंगे तो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। इसमें काफ़ी बेबी प्लांट्स निकलते हैं और
ये आप नर्सरी से लेके आएं या किसी से लेके आएं और ये भी प्लांट आप शामिल करें। नो मेंटेनेंस प्लांट है, मतलब कि कभी कभी पानी ज़्यादा पानी भी ना पानी भी नहीं मांगता है, मतलब कि ये प्लांट को। ये इंडोर है आउटडोर है? इंडोर है ये। इंडोर भी है आउटडोर भी है। इंडोर भी अच्छा सर्वाइव करता है, आउटडोर भी अच्छा सर्वाइव करता है, दोनों प्लांट। नेक्स्ट आता है अपना ये जेट प्लांट, और ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। जेट प्लांट तो सभी को पता है, ये सेकुलेंट प्लांट है और ये भी अच्छा लीव से भी लग जाता है, कटिंग के द्वारा अच्छा प्लांट है। और इसको भी नो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन ये आउटडोर प्लांट है, इंडोर नहीं है। इंडोर रखते हैं तो ये मतलब ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, पत्ते गिरा देता है अपना, तो ये आउटडोर प्लांट है, तो ये भी अपने गार्डन में शामिल करें, काफ़ी अच्छा प्लांट है। और इसे टोपियारी वगैरह भी, इसे टोपियारी बॉन्साई काफ़ी चीज़ें इस पर अपन कर सकते हैं। और मेरा तो ये बहुत लक्की प्लांट है, वैसे लक्की प्लांट भी बोलते हैं इसको। और इसमें भी एक वैरायटी और आती है जेड में, हाँ भी है अपना। तो ये प्लांट ऐसे हैं कि आप एक बार ले आएंगे तो जाने का नाम नहीं लेंगे। नेक्स्ट आता है अपना रोहियो प्लांट, तो ये आप देख रहे हैं कि ये प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है, इसको एक बार ले आएंगे तो ये भी बेबी प्लांट जैसे ही मदर ऑफ थाउजेंड ने प्लांट्स दे रखे हैं, ये भी काफ़ी प्लांट भर जाता है। इसका भी एक प्लांट लेके आएंगे तो ये भी काफ़ी प्लांट हो जाते हैं इससे। तो ये सब प्लांट्स ऐसे प्लांट हैं कि आप एक प्लांट ले आएंगे तो इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपके गार्डन में अच्छे से शामिल करें और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।